लोगों से मुलाकात पहली है। मैं सबको नववर्ष की भी शुभकामनाएं दे देता हूँ। और आज चार पांच विषय थे जिनको हम टच करना चाह रहे थे। लंबा समय हो गया आप लोगों से चर्चा हुए। एक तो हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 4.25 सालों में हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मजबूत कदम उठाए और उसके अंदर लगभग 15,005 किलोमीटर सड़क जो थी उसको हमारी सरकार ने रिपेयर किया और जहाँ जहाँ थोड़ी पैचेज में इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत थी उनको इम्प्रूव किया। उसके साथ 1,550 किलोमीटर प्रदेश के अंदर नया रोड नेटवर्क जो एग्जिस्टिंग नहीं था उसको बनाने का काम किया। उसके साथ लगभग 2,500 किलोमीटर हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जिसके अंदर स्टेट और सेंट्रल पार्टनरशिप के साथ रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का है उस पे कदम उठाए गए। 1,360 किलोमीटर नबार्ड के फंड से हमने प्रदेश के अंदर रोड नेटवर्क को इम्प्रूव किया। कुल मिलाकर 20,399 किलोमीटर स्टेट फंड से और सेंट्रल एड से हमने जो हमारे MDRs, ODRs, लिंक सड़कें और स्टेट हाईवेज इस रोड नेटवर्क को 4.25 साल में इम्प्रूव करने का काम किया है। इसके एडिशनल करनाल का, अंबाला का, पिंजौर का, झज्जर का, छोटे बड़े 12 नेशनल हाईवेज के बाईपासेस जिसमें दो नई एडिशन जींद और उचाणा बाईपास की है इसकी भी केंद्र सरकार से स्वीकृति दिलाने का काम किया और इनके लिए जो स्टेट से फंड्स जाने थे NHAI को उनको ट्रांसफ़र कर कैसे शहरों से भी ट्रैफिक को बाहर की बाहर निकाला जाए और कंजेशन बचाई जाए उसको पूरी तरह कंप्लीट करने का काम किया। और मुझे खुशी है कि जो हमारा पिंजौर का ट्रैफिक बद्दी को जाता था जिसके अंदर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम कालका पिंजौर में लगा रहता था उसका लगभग 93% काम कंप्लीट हो चुका। और जल्द मैंने गडकरी जी से भी निवेदन दिया है कि वो समय भी दे दे कि हम इसको इनॉग्रेट कर लें और एक नेशनल हाईवे के अंदर हमारे एडिशन हो जाए। इसके साथ जो हमारे यमुनानगर से पांवटा साहब शहर के अंदर से सड़क जाती थी उसकी भी केंद्र की स्वीकृति आ गई है कि अब यमुनानगर शहर के और जगाधरी शहर के ऊपर से पांवटा साहब के लिए नेशनल हाईवे ही बाईपास को बनाने का काम करेगा जिससे धार्मिक स्थली को भी जुड़ने वाले हमारे इस रोड नेटवर्क को बाईपास के तौर पर हम जोड़ पाएंगे और ठेठ पांवटा साहब तक नेशनल हाईवे का निर्माण पूरा कर पाएंगे। 2 साल पहले हमने एक कदम उठाया था कि फाटक मुक्त हरियाणा बनाएंगे चाहे वो हमारे MDRs ODRs हैं उनके ऊपर भी जितनी जगह रेलवे फाटक थे उनको RUB ROB की मदद से हम कंप्लीट करेंगे और रोड नेटवर्क को बिना हैसल के रेलवे फाटक पे रुकने के कनेक्टिविटी देंगे। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि 35 ROBs हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 52 ROB हैं जो अगले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे और 43 ROB हैं जिनका काम रेलवे को ड्राइंग्स का या अप्रूवल्स का ऑलरेडी हो चुका है और इनका भी कंस्ट्रक्शन फेज जल्द शुरू हो जाएगा। और इसके बाद हरियाणा प्रदेश के अधिकतम जो ODRs MDRs उन सब पे कोई भी रेलवे फाटक आने वाले भविष्य के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा। मुझे खुशी है कि निरंतर केंद्र सरकार का जो सपोर्ट हरियाणा को मिला है उसके अंदर 2 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिसमें एक डवाली से पानीपत है,
एक हिसार से तो शाम और रेवाड़ी वाया महेंद्रगढ़ बाडड़ा है, इसकी भी डीपीआर कंप्लीट हो चुकी है और भारतमाला 2 के ए फेज़ के अंदर इनको डाल दिया गया है और जल्द जो ऑफिशियल अप्रूवल कैबिनेट सब कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो इस पे आ जाएगी और इसका भी एक्विजिशन का प्रोसेस हम शुरू करने का काम करेंगे। लगभग 350 ऐसे ब्लैक स्पॉट्स थे प्रदेश के अंदर जिसको हमने पिछले 3 वर्षों में पिन पॉइंट किया था, जहां निरंतर रोड एक्सीडेंट्स और कैजुअलिटीज होती हैं। आज प्रत्येक ब्लैक स्पॉट के ऊपर काम चल रहा है और गडकरी जी ने 300 एडिशनल जो ऐसे पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट लाकर केंद्र सरकार को देगी उनके लिए भी सहमति जताई है। आज चाहे वो हमारा नेशनल हाईवे दिल्ली से लेकर डवाली तक का हो, उसमें मेजर जो पॉइंट्स थे चाहे फतेहाबाद शहर के अंदर रानिया रोड पे था जिसमें अधिकतम महीने में 10-12 एक्सीडेंट हो जाते थे, कई लोगों की जान गई, उस पर आरओबी का काम शुरू हो चुका है। और थ्रू एंड थ्रू चाहे वो झज्जर रेवाड़ी रोहतक झज्जर रेवाड़ी हो आरजेआर, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। और भी एक कदम पीडब्ल्यूडी और हरियाणा पुलिस ने मिलकर उठाया है कि अब कोई भी कार एक्सीडेंट जिसमें इंजरी या कैजुअलिटी होगी उसकी एफआईआर जब दर्ज होगी तो उसकी जियो टैगिंग साथ के साथ करी जाएगी, जिससे प्रोएक्टिवली हमें भी ये पता चलता रहेगा कि कहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया प्रदेश में बन रहा है और आने वाले भविष्य के अंदर इसको इमिडिएटली हम टेकअप करने का काम करेंगे कि वहाँ अंडरपास या ओवरब्रिज या अगर उस कट को बंद करने की ज़रूरत है तो NH के साथ मिलकर हम उसको टेकअप करने का कार्य करेंगे। इसके साथ लगभग 750 करोड़ की लागत से हिसार में एलिवेटेड पिछले बजट में मंजूर हुआ था, जिसकी DPR भी कंप्लीट होगी और हमने जायका को भेज दिया है कि फंड अप्रूवल जैसे ही जायका से आते हैं 1% इंटरेस्ट पे हिसार एलिवेटेड रोड का कार्य भी प्रदेश में हम जल्द शुरू करने का काम करेंगे। वहीं रेलवे की हमारी 3 नई मांगे थी जिसके अंदर जो इंटरम बजट में, क्योंकि रेल का बजट नहीं आया, हमें लगभग स्वीकृति मंजूर हो चुकी है, जिसमें एक तो बहादुरगढ़ एलिवेटेड रेलवे लाइन है, जैसे रोहतक में एलिवेटेड करी थी बहादुरगढ़ में भी 13.9 किलोमीटर की एलिवेटेड लाइन बनेगी जो दिल्ली बॉर्डर से लेकर आसोदा जंक्शन जो कि ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का है और दिल्ली रोहतक लाइन का है, इसके ऊपर बनाया जाएगा, जिसमें जो मेन जंक्शन हमारे माल के लोडिंग अनलोडिंग का है उसको भी आने वाले भविष्य में आसोदा शिफ्ट किया जाएगा, पैसेंजर टर्मिनल को बहादुरगढ़ में छोड़ा जाएगा, जिससे डी कंजेशन भी होगी और बहादुरगढ़ शहर में जो एक ओवरब्रिज है, 3 अंडरपासेस हैं और 4 रेलवे फाटक हैं, उससे पूरी तौर पर निजात मिलेगी। इसकी मंजूरी भी हमें केंद्र सरकार ने सहमति के साथ देने का काम किया है। एक नई रेलवे लाइन जो एक्सटेंशन है दिल्ली गुड़गांव फारूकनगर रेलवे लाइन की एक्सपेंशन और फारूकनगर से नई रेलवे लाइन झज्जर रेवाड़ी रोहतक लाइन तक उसके साथ जोड़ने की, और इसका सर्वे भी कंप्लीट हो चुका है और 0.9 जब रेलवे ट्रैफिक इस पे आता है तो केंद्र सरकार नई लाइन की मंजूरी देती है। मुझे खुशी है कि 1.78 ट्रैफिक वेलोसिटी इस पे मार्क हुई है और एक रेलवे के लिए एक प्रॉफिटेबल रेलवे लाइन भी है और इसके अंदर रेल मंत्री ने हमें सहमति भी दी है कि पूरा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के फंड के ऊपर इसको टेकअप किया जाएगा। वहीं पिछले 2 वर्ष पहले हरियाणा में हमने BPL की जो लिमिट थी उसको 1,20,000 प्रति परिवार से बढ़ाकर 1,80,000 पर पहुंचाने का काम किया था। बहुत लोगों ने कहा कि इससे
परिवार पहचान पत्र के डाटा को जोड़ा जाएगा तो बहुत से लोगों के राशन कार्ड इसमें कटेंगे। मैं आज एक चीज़ संक्षेप में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब हमने बीपीएल की श्रेणी को रिवाइज़ किया, इसके बाद प्रदेश में बीपीएल परिवारों की या लाभार्थियों की संख्या जो है वो घटी नहीं है। दिसंबर 2022 में जब ये कदम उठाया गया, 26,94,484 प्रदेश में राशन कार्ड थे और 1,22,12,778 इसमें लाभार्थी थे। आज नए बीपीएल श्रेणी की लिमिट के बाद और पीपीपी डाटा लिंकेज के बाद जनवरी 2024 के अंत का जो डाटा है 31 जनवरी का, इसके अंदर हरियाणा प्रदेश में 44,86,954 आज पीले राशन कार्ड प्रदेश में है और जनसंख्या के अंदर जो लाभार्थी हैं वो 1,79,44,045 है। इसका मतलब है कि प्रदेश के अंदर आज के दिन लगभग 57 लाख नए नागरिक हैं जिनको बीपीएल श्रेणी में हमारी सरकार ने जोड़ने का काम किया है और जोड़कर ये सुविधाएं जो राशन की है वो उन तक पहुंचाने का काम करा है। पीछे दिक्कत आई थी क्योंकि ये नंबर्स बढ़ गए थे और एलोकेशन केंद्र सरकार की जो थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी, लगभग 68-69% लाभार्थियों तक ये लाभ पहुंच रहा था। केंद्र से हमें पत्र मिल गया है, स्टेट अब वीट नेफेड से और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी से परचेज करेगी, शुगर परचेज हमारी शुगर मिल से करेंगी और वो लाभ जो पिछला है वो भी फुलफिल किया जाएगा और प्रत्येक बीपीएल राशन कार्ड होल्डर को इस चीज़ का लाभ दिया जाएगा। एक कदम और हमने एडिशनल उठाया है, पीछे हमने डीबीटी कर सनफ्लावर मस्टर्ड ऑयल का पैसा लोगों को दिया था। ये मांग बारी बारी आ रही थी लोगों से कि जी हमें मस्टर्ड ऑयल दे दीजिए, डीबीटी मत करिए। हमने इस साल अब एक प्रपोजल हैफेड को भी भेजा था और हैफेड ने भी उसकी मंजूरी हमें दे दी है, क्योंकि पिछले वर्ष सनफ्लावर ग्रोइंग फार्मर्स ने भी प्रोटेस्ट किया था MSP दी जाए। तो हम जो अब फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, इस फाइनेंशियल ईयर में अपॉन रिक्वेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट से आएंगी, बैलेंस अप्रोच में आम नागरिक को दोनों तरह का तेल, सरसों का तेल भी और सूरजमुखी का तेल, मस्टर्ड ऑयल के साथ साथ सनफ्लावर ऑयल भी हम हैफेड का उपलब्ध कराएंगे। नागरिक जो लेना चाहे वो उसके डिस्ट्रिक्ट की जो रिपोर्ट हमें आएगी हेड ऑफिस में, उसको बैलेंस कर हम लाभार्थियों को दिलवाना चाहेंगे। जहाँ बात मुआवजे की आती है, मैं आज बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ कि 2019 से लेकर 2024 की शुरुआत होगी और इस पूरे समय में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने अलग अलग समय पर राबी में, खरीफ में या फ्लड्स के दौरान जब जब फार्मर्स की क्रॉप लॉसेस हुई हैं, 16,000 करोड़ रुपया हमने हमारे फार्मर्स को DBT के माध्यम से पिछले एक वर्ष से और अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र पिछले 4 वर्ष से कर देने का काम किया है। आज भी कई जगह से मेरे पास मांग आई है कि परसों ओले गिरे थे, उससे भी कई जगह क्रॉप लॉसेस है, अब भी अगले 3 दिन रेन प्रिडिक्टिव है। इस सभी चीज़ को देखते हुए हमने ये निर्णय भी नहीं है, मैं आपके माध्यम से सिर्फ जागरूक करना चाह रहा हूँ कि जनरल गिरदावरी 1 फरवरी से 1 मार्च तक पूरे प्रदेश भर में चल रही है। जहाँ भी इस तरह की क्रॉप लॉसेस की रिपोर्टिंग आएगी उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी मॉनिटर करेगा, मगर मैं आपके माध्यम से प्रत्येक फार्मर से भी निवेदन करता हूँ कि ये ताकत हरियाणा सरकार ने आपको भी दे रखी है,
और आपके मोबाइल पर है, और आप भी क्षतिपूर्ति के माध्यम से सरकार तक कोई भी क्रॉप लॉस हुआ है उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ सवा वर्ष पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर डिजिटल रिकॉर्ड रूम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हरियाणा सरकार ने बनाया था और बड़ा सक्सेसफुल हुआ कि किसी भी व्यक्ति को पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड भी देखना था या निकालना था तो उसको कागजों को खंगालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। देश में सबसे आधुनिक डिजिटल रिकॉर्ड रूम किसी के पास था तो हरियाणा सरकार के रेवेन्यू विभाग के पास था, मगर उसमें कई जगह से डिमांड आई कि जी कमिश्नरेट का रिकॉर्ड नहीं मिलता, FCR ऑफिसेस का रिकॉर्ड नहीं मिलता, और साथ में जो सब डिवीज़न और तहसील और कानूगो पटवार खाने हैं इनका रिकॉर्ड भी हम समय अनुसार नहीं ले सकते। तो हमने एक टारगेट लिया था कि हम हमारे FCR ऑफिस, कमिश्नरेट और सब डिवीजन्स को 31 मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे। वी आर ऑन टारगेट, और मैंने आगे भी आदेश दे दिए हैं कि कानूगो पटवार खाने तक जो रिकॉर्ड है जो कि बहुत लेंदी है उसको भी 2024 के अंत तक हम पूरी तौर पर डिजिटलाइज कर लेंगे, जिससे हरियाणा प्रदेश का 100% रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो डिजिटलाइज हो जाएगा। कंसोलिडेशन की बारी बारी हमने बैठ के भी करी, जिम्मेवारी भी लगाई, और मुझे खुशी है 125 से ज़्यादा गांव नॉन कंसोलिडेटेड थे हरियाणा प्रदेश के अंदर, आज के दिन वो संख्या घटकर 54 गांव की रहेगी, 54 villages। और हमारा टारगेट है कि इस वर्ष के अंदर जहां कोई लिटिगेशन हाईकोर्ट में पेंडिंग है जिसमें अधिकतम गांव है उनको छोड़कर नॉन लिटिगेटेड जितने भी हमारे विलेजेस हैं इस वर्ष के अंदर हम उनकी कंसोलिडेशन को पूरा करने का काम करेंगे। साथ में कई साथी पूछा करते थे कि रेवेन्यू पे बारी बारी आरोप लगते हैं, मैं एक छोटा सा फिगर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि 2019-20 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था 6200 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश में रेवेन्यू स्टैम्प से और अलग जो हमारे स्टैम्प ड्यूटी परचेजेस हैं उनसे कलेक्ट होता था। आज हम 2024 में बैठे हैं फरवरी के महीने में, अभी भी हमारे पास 29 का महीना ये है और 31 दिन मार्च के, 10,000 करोड़ से ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन हरियाणा प्रदेश में हम कर पाए। और मैं मानता हूँ ये टारगेट नहीं है, ये क्लेनलीनेस है। मुझे लगता है जो हमने सुविधाएं दी नागरिकों को, जो डिवीज़न ऑफ पावर करी नायब तहसीलदार, तहसीलदार से SDM DROs तक, ये उसका फ़ायदा है कि आम नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिल पा रही हैं और सुविधाओं के साथ साथ प्रदेश को रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है। और एक मैं फैक्चुअली आपको फिगर दे सकता हूँ कि इसके अंदर कोई भी स्टैम्प ड्यूटी के नंबर्स में इंक्रीज़ नहीं हुआ। हरियाणा प्रदेश में पहले भी 5% महिलाओं के लिए और 7% औरों के लिए स्टैम्प ड्यूटी थी, आज भी वही है, मगर उसके बावजूद भी हम 4,000 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू इस वित्त वर्ष में, और कंपैरिजन करें तो पिछले साल 10,200 करोड़ था, उससे पिछले साल 9,300 करोड़ था, ओवर ईयर्स हम इंक्रीज करा पाए हैं। वहीं टैक्सेशन कलेक्शन जो थी GST की, उसके अंदर भी 30% की ग्रोथ हमारी क्यूमुलेटिव 4 साल के अंदर है, और इस साल के अंदर अभी तक 16% ग्रोथ में हरियाणा प्रदेश चल रहा है। हम 32,456 करोड़ रुपया इस वित्त वर्ष में अब तक कलेक्ट कर पाए हैं, और मेरा मानना है कि जो टारगेट हमारी सरकार ने लिया था कि हम इसको 36,000 करोड़ लेके जाए उसको भी पूरे प्रदेश में हम अचीव कर पाएंगे। वहीं जो हमारा एक्साइज कलेक्शन था 2019-20 का 6361 करोड़ था, पिछले वर्ष के कंक्लूशन में ये 9,687 करोड़ था जो कि जुलाई में जाकर कंक्लूड हुआ था एक्साइज ईयर।
और मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि 28-1-24 तक इस वर्ष में हमारी जो एक्साइज कलेक्शन है वो 9,232 करोड़ है, और इस वित्त वर्ष के अंदर हम अपना जो टारगेट 10,500 का था उसको भी क्रॉस कर कर 11,500 करोड़ से ज़्यादा एक्साइज कलेक्शन प्रदेश भर में कर पाएंगे। और इसके अंदर एक कदम जो देश में किसी भी प्रदेश में नहीं उठा है उसको हरियाणा प्रदेश प्राथमिकता के साथ लेके चल रहा है कि हमने पूरी तौर पर 29 फरवरी के बाद प्लास्टिक बॉटल्स पर हरियाणा प्रदेश में बैन लगा दिया। तो जो कंट्री लिकर पेट बॉटल्स में बिका करती थी प्लास्टिक की, उसके ऊपर भी पूरी तरह अब बंदिश लगाई गई है। साथ में मैं एविएशन सेक्टर को ज़रूर टच करना चाहूँगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश ने पिछले 4 वर्ष में एविएशन में एक अलग ग्रोथ कर कर दिखाई, और इसके अंदर मेजर प्रोजेक्ट जो हमारा है वो हिसार एविएशन हब है। पिछले दिनों हैदराबाद के अंदर जब हमारा एविएशन सबमिट हुआ विंग्स इंडिया 24, 3 MOUs और अग्रीमेंट्स हमारे हुए। पहला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, जिसके अंदर प्रॉपर जो इक्विपमेंट मैनेजमेंट और एयरपोर्ट की फंक्शनिंग है उसके ऊपर हरियाणा सरकार और भारत सरकार की सहमति हुई, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी आने वाले भविष्य में जितने ऑपरेशन हिसार एयरपोर्ट में होंगे उसका टेक्निकल सपोर्ट एंड फंक्शनिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करने का काम करेगा। सेकंड, पवन हंस लिमिटेड भारत सरकार और हरियाणा सरकार के अंतराल एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 30 एकड़ जमीन गुड़गांव के द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ HSID से लेकर एविएशन विभाग ने भारत सरकार को दी है, जहां देश का सबसे बड़ा हेली हब, जिसकी नींव पिछले साल के बजट में प्रधानमंत्री जी ने रखी थी उसके अंतर्गत हम रखेंगे। और खुशी है कि कल आखिरी पत्राचार हमारा कंप्लीट हो गया, लैंड के अकॉर्डिंग DPR के लिए हमने पैसे सैंक्शन कर दिए, और अगले 15 दिन के अंदर पवन हंस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नवरत्न कंपनी है, वो इसकी DPR और फिजिबिलिटी के साथ हमें रिपोर्ट लेकर लैंड का टेक ओवर करने का काम करेगी, और जल्द गुड़गांव को IGI एयरपोर्ट से मात्र 13 किलोमीटर दूर देश का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर हब मिलेगा, जहां से प्राइवेट चार्टर्स भी और हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विसेज भी और मेडिकल एम्बुलेंस की जो हेली सर्विसेज हैं उसको पूरे नॉर्दर्न रीजन को कनेक्टिविटी देने के लिए गुड़गांव एक एपिसेंटर बनेगा। इसके साथ तीसरा एग्रीमेंट जो विंग्स इंडिया में हमारा हुआ था वो था अलायंस शेयर का और हरियाणा सरकार का, जिसमें अलायंस शेयर और हरियाणा सरकार में एक सहमति VGF के अंदर हुई है कि हम गैप फंडिंग करेंगे। गैप फंडिंग से 9 रूट्स को हमने चिन्हित किया है। हिसार एयरपोर्ट से अलायंस शेयर के 2 जहाज डेली कनेक्टिविटी देंगे, और अल्टरनेट के तौर पर हफ्ते में 3 दिन एक रूट, जैसे ही हमारा सिविल टर्मिनल अंबाला का बन जाएगा, अंबाला से भी अलायंस शेयर भविष्य में कनेक्टिविटी देने का काम करेगी जम्मू को भी, और जो हमारी नियरेस्ट लोकेशंस है जहां पर अलायंस शेयर का एयरक्राफ्ट इक्विप्ड है लैंडिंग के लिए। इसके साथ साथ वहां पर जो 3 हमारी बड़ी एयरलाइंस हैं, इंडिगो, अकाशा और स्पाइसजेट, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने भी अपनी इच्छा जताई है कि वो जैसे चंडीगढ़ में लैंड पार्किंग रात को होती है जहाज़ों की, आने वाले भविष्य में दिल्ली की कंजेशन को देखते हुए हिसार को भी एक अल्टरनेट रूट के तौर पर बड़ी एयरलाइंस भी टेकअप करने का काम करेगी। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, कई दिन अखबारों में भी चली कि
कि 75% को हाई कोर्ट ने टर्न डाउन कर दी। हमारी सरकार गंभीर भी है, हम पूरी तौर पर हमारे उस लक्ष्य को अचीव करने पे जुटे हुए हैं, जहाँ हरियाणा के बच्चों को हरियाणा के रोजगारों में 75% रिजर्वेशन मिले, उनकी हिस्सेदारी बने। और उसके उपरांत हमने SLP भी मूव करी थी, और मुझे खुशी है कि 6 तारीख को की जो शेड्यूल है मोस्ट प्रॉब्ली उसके अंदर हमारी SLP लिस्ट हो जाएगी। सॉलिसिटर जनरल जो हमारे हैं तुषार मेहता जी, उनको हमने एंगेज किया है कि वो हरियाणा सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, और ये जो ऑर्डर आया है इसको स्टेट असाइड कर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स को देखते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर कैसे ये अधिकार युवाओं को मिले, उसके उपरांत हमारी पक्ष की आवाज़ रखते हुए हमारे पक्ष के अंदर हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो 75% एक्ट है इसको सहमति से माननीय सुप्रीम कोर्ट देने का काम करेगा। लास्टली मुझे खुशी है कि 4 साल के अंदर डिस्पाइट कोविड प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी है। जो आंकड़े दिसंबर 31 तक के हमारे पास है, लगभग 39,700 करोड़ का बड़ी लघु माध्यमिक उद्योगों का निवेश हरियाणा प्रदेश में हुआ है, और हमने कोई बहुत बड़े लेवल पर सबमिट्स भी नहीं करे, प्रदेश के एक्सचेकर के पैसे को बर्बाद नहीं किया, मगर एक डेस्टिनेशन पॉलिसीज के माध्यम से हरियाणा को बनाने का काम किया है, और उसका असर दिखने को मिला। हीप 2020 के अंदर भी हमारी सरकार ने अब तक अलग अलग उद्योगों को लगभग 36,000 करोड़ का बेनिफिट दिलवाने का काम किया है, और उसके साथ जो हमारी 9 एडिशनल पॉलिसीज प्रदेश में आई, चाहे वो एरो डिफेंस हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, स्टार्टअप हो, इन तमाम पॉलिसीज से हरियाणा के आम नागरिक को उद्योग से रोजगार मिला, उसमें बहुत लाभ मिला है, जिसमें सबसे बड़ा 15,000 करोड़ का एक ही निवेश मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने खरखोदा में दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसमें 10,000 गाड़ियां प्रतिवर्ष 10 लाख गाड़ियां प्रतिवर्ष मैन्युफैक्चर होंगी, इसका काम शुरू कर दिया, और फेज़ 1 जो है वो जनवरी 2025 के अंदर शुरू हो जाएगा, फेज़ 2 जून 2026 में, और फेज़ 3 उस प्लांट का 2027 के अंदर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने टारगेट कर रखा है कि वो स्टार्ट करेगी। मैं दोबारा आपको बोलना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य यही रहा है कि प्रदेश को हम कैसे बेहतर और तरक्की के पथ पर लाएं, और हमारी सरकार ने पिछले 4.25 वर्षों में पूरी दृढ़ता के साथ हरियाणा प्रदेश की प्रगति के उपरांत काम किया। कोई आपके सवाल? ये बजट आने वाले केंद्र सरकार का तो हरियाणा के लिए कुछ उम्मीद करते हैं? केंद्र सरकार का एक सप्लीमेंट्री बजट आया है, मेन बजट तो 2024 की जुलाई में आएगा जब नई सरकार का निर्माण होगा। मगर मुझे बड़ी खुशी है कि 3-4 सेक्टर जिसमें हरियाणा सरकार निरंतर काम कर रही है उस पर केंद्र सरकार ने इस इंटरिम बजट में कदम उठाए हैं। पहला तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, जिसमें लखपति दीदी बनाई गई हैं। हरियाणा प्रदेश में 4 वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की संख्या 16,000 से बढ़कर 48,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने, और केंद्र सरकार ने भी इसकी जो संख्या है उसमें 1,00,000 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इजाफा किया है। मैं मानता हूँ कि उस टारगेट में हरियाणा प्राथमिक रहेगा। ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो कार्य केंद्र सरकार ने निर्धारित करे हैं, जिसमें बजट की भी बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट हुई है, हरियाणा के अंदर पिछले 2 वर्षों में 9 एथेनॉल प्लांट्स नए लगे हैं, 7
कंप्रेस्ड बायोगैसेस प्लांट लगे हैं और मैं मानता हूँ ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ग्रीन एनर्जी के ऊपर ₹1,000 प्रति एकड़ पराली ना जलाने का जो बेनिफिट हमारी सरकार ने देने का काम किया, उसके बाद बहुत से ऐसे फार्मर्स ने पराली ना जलाते हुए ग्रीन एनर्जी की ओर अपने पराली को बेचने का काम किया है। और तीसरा जिसका मैं अंत में अभी विवरण आपको दे के गया था कि MSME सेक्टर्स में सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो स्टार्टअप्स का है। स्टार्टअप बेनिफिट्स जो थे उसके अंदर जो एक साल की तिथि के अंदर इजाफा करा है, मुझे लगता है कि यूनिकॉर्न्स इसलिए ही हरियाणा प्रदेश में 10 में से 5 आए, क्योंकि स्टार्टअप पॉलिसीज भी हमारी बेहतर थी और केंद्र सरकार की पॉलिसी का भी बेनिफिट स्टार्टअप्स उठा पाए। तो मैं तो केंद्र सरकार का आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे कदमों को कहीं ना कहीं और आगे ले जाने के लिए जो उनका नए इंटरिम बजट के कदम है वो और ज़्यादा सहयोग करने का काम करें। स्टेट गवर्नमेंट का बजट भी आ रहा है, तो क्या 20 तारीख से हमारा बजट सेशन चल रहा है और जैसे पिछले 4 वर्षों में हमने इनोवेटिव स्टेप्स उठाए और इनोवेटिव स्टेप्स के माध्यम से प्रदेश के अंदर नया इन्वेस्टमेंट भी आया, प्रदेश के अंदर ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे प्राथमिकता दी गई और प्रदेश के प्रत्येक आम नागरिक का जो GDP कलेक्शन है उसमें भी देश में प्राथमिक 2 प्रदेशों में हरियाणा को गिना जाता है। मैं ये मानता हूँ कि अगले बजट के अंदर भी इसके ऊपर और बेहतर कदम हम उठाएंगे, चाहे वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को थ्रस्ट देने की बात आए, चाहे वो इंडिविजुअल नागरिक तक सुविधाओं को बेहतर और जल्दी कैसे पहुँचाया जाए। आपने स्वयं देखा होगा कि फार्मर के खाते में जब से हमने पैसे भेजने शुरू करे उसका लाभ हमारे फार्मर्स के साथ साथ केंद्र सरकार को भी मिला कि FCI और फूड मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे देश में उस चीज़ को रेप्लिकेट करा। हमने डिजिटल लाइब्रेरीज के ऊपर कदम उठाए, केंद्र सरकार के पिछले बजट के अंदर प्रत्येक गांव में डिजिटल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करने के लिए निर्णय लिया गया। आज प्रदेश के अंदर 11 एक्सप्रेसवेज, 35 नेशनल हाईवेज ऑलरेडी हैं और इसकी संख्या भी बढ़ रही है केंद्र के सहयोग से। मैं मानता हूं कि जो MDRs और ODRs हैं इस बजट के अंदर हम ये टारगेट लेंगे कि उनको भी हमें स्ट्रेंथन और अगर वाइडन करना पड़े तो बजट की अनुमति के माध्यम से हम उनको टेकअप करेंगे। तो चलिए, एक लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, 4 साल से JJP जो है, JJP और BJP का कोलिशन हरियाणा में है, keeping in view upcoming लोकसभा poll, what is the wish list of the JJP? देखिए, हम आज भी NDA का हिस्सा है और विश कोई मेरे चाहे भी पूरी नहीं होगी और किसी के चाहे भी पूरी नहीं होगी, ये तो राजनीति है। इसके अंदर बैठ के वार्तालाप करके निर्णय लिए जाते हैं, बट यस, वी आर अ स्ट्रांग पार्टनर ऑफ NDA, वी वर कमिटेड कि हम प्रदेश को स्थिर सरकार दे और 4.25 साल से प्रदेश के अंदर स्थिर सरकार हम लेकर चल रहे हैं और आगे भी NDA के अंदर दोनों पार्टीज की लीडरशिप बैठ के चर्चा कर कर ही लोकसभा के और आगे फ्यूचर विधानसभा के ऊपर निर्णय लेंगे। तो आपकी कोशिश क्या रहेगी, जैसे BJP कह रही है कि 10 की 10 सीटें? देखिए, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमने भी 6 लोकसभा को टच किया, 4 को अब फरवरी के महीने में हम टच करेंगे और प्रत्येक लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर हमारा कैडर अपना काम कर रहा है और जब 2 मिलेंगे तो 1 और 1 11 की ताकत के साथ चुनाव लड़े जाएंगे। एक महीना से पटवारी कानून को हड़ताल पर है, कहाँ नहीं बात बन पा रही, लोग परेशान हैं, इसका क्या? उनके साथ FCR लेवल पे भी 2 दौर की चर्चा होगी है। पहली चीज जो उनके पे ग्रेड को 35,000 के लगभग ले जाने की बात थी, सरकार ने उस पर सहमति दे दी है, फाइनेंस के पास अप्रूवल के लिए फाइल भेज दी थी
और मुझे लगता है जल्द वो अप्रूवल भी हो जाएगा और उसके अनुसार उनके जो पे ग्रेड के अंदर इंक्रीज था उसको सरकार करने का काम। डिजिटलाइजेशन यूटिलाइजेशन की बात है या जो और कदम उठाने की बात है, मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ही ये छोटे छोटे जो हैसल्स हैं इनको हम रिजॉल्व कराने में कामयाब रहे। आप जाइए मैम के अंदर, ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल देता हूँ, अभी तो मेरे पास कागज नहीं है, मेरे आंकड़े थोड़े बहुत मैं याद रखने की आदत रखता हूँ। आज महम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी 100 करोड़ से ऊपर के सड़कों के निर्माण हुए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर भी उनकी मेजर सड़कों को हमने दुरुस्त करवाया। अगर भेदभाव होता तो शायद वो काम ना होते। अगर कम्युनिटी सेंटर्स आए, ई लाइब्रेरीज आई, गाँव के अंदर नई टेक्नोलॉजी के साथ डेवलपमेंट के कार्य हमने करवाए, तो प्रदेश के किसी विधायक को भी मुझे नहीं लगता आज ये कहने की जरूरत है कि मेरे काम नहीं हुए। आज रिकॉर्ड उठाकर देखो, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सम्मण हो, मोखरा हो, ये तो मैं ही गांव जानता हूँ जिनके अंदर वाटर लॉगिंग की समस्या आज की नहीं है, दशकों पुरानी है। 70 करोड़ की लागत से फ्लड एंड ड्रॉट के अंदर एक मैम कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसमें पाइपलाइंस पंप सेट्स लगाई गई है जो ड्रेन्स तक पानी को ले जा रही है। और केवल मात्र एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, ये तो आप सब इस चीज़ को जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के शासन में 125 करोड़ रुपया भी फ्लड एंड ड्रॉट में यूटिलाइज नहीं हो सकता था। पिछले वर्ष हमने बढ़ाकर 1100 करोड़ किया, इस वर्ष उसको हम जो टेंटेटिव प्लान है 1100 करोड़ से भी बढ़ाकर 1500 करोड़ लेके जा रहे हैं। और ये दादरी हो, महम हो, मवाड़ी खेड़ा हो, दुलाना हो, नारनौंद हो, सफीदो हो, एक ही हरियाणा की ऐसी बेल्ट थी जहाँ कॉन्ट्यूरिंग में सबसे निचला एरिया आता था और वहाँ पानी बारिश में खड़ा होता था और एक कई बार दो दो फसलों तक क्रॉप लॉस वहाँ देखा जाता। वहाँ पर परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना के जो निजात मिली, मुझे लगता है इससे किसी एक MLA या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ने उस पूरे क्षेत्र का हमने भला किया। ये अपोजिशन का आरोप है कि एजुकेशन में बड़ा जो पद रिक्त है, कमरों का निर्माण नहीं हुआ, करीब 2500 से ज़्यादा कमरों का निर्माण होना बाकी है, शौचालय नहीं है छात्रों के लिए, तो इस बारे में क्या है? देखो, मैं एक चीज़ पे तो मानता हूँ कि कोविड के बाद जो भर्तियाँ होनी थी और जिस प्रोसेस के साथ होनी थी वो टाइमली नहीं हो पाई। आज मैं सुबह फायर का रिव्यू भी कर रहा था तो लगभग 1800 के आसपास हमारे पास फायर टेंडर ऑपरेटर्स और ड्राइवर्स की कमी है और उसको हमने कौशल से बहुत हद तक फुलफिल कर रखा है, मगर जब तक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी एक चीज़ तो सेटबैक के तौर पे देखी जाएगी। मगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये कमिट किया है कि वो जल्द जो ग्रुप डी और सी के CET के एग्जामिनेशंस हुए हैं उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो नए लाभार्थी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ आकर प्रदेश सरकार की सेवा में उतर जाएंगे। जहाँ कमरों के निर्माण की बात है, फंड्स आर अवेलेबल, जहाँ जहाँ से DO लेवल से रिपोर्ट्स आती हैं एजुकेशन विभाग निरंतर अप्रूवल भी और फंड ट्रांसफ़र भी कर देता है। इसका निर्माण, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर्ड स्कीम नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्व शिक्षा अभियान के अंदर डायरेक्शन थे कि विलेज लेवल कमेटी विल ओवरसी, तो ये विलेज लेवल कमेटीज के अंदर कोई डिले आया है तो मैं जरूर इसको चेक। सरकार की काफ़ी अचीवमेंट्स तो आज के दिन तो ये हालात है कि ऑपोजिशन आज के दिन सबसे खिंडावा है और इतना डिवाइडेड ऑपोजिशन इंडियन हिस्ट्री में शायद ही देखने को मिला हो।
जब एक टेबल पे बैठ के रोटी खाते और कमरे से बाहर निकलते ही लड़ाई लड़ लेते। नीतीश कुमार जी एनडीए का हिस्सा बन चुके। ममता दीदी ने जो बयान परसों दिया है, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई एक ऐसा भी पत्रकार छायाकार साथी होगा जिसने पढ़ा ना हो कि कांग्रेस 2 सीट भी नहीं जीत सकती। आज के दिन ऑपोजिशन जितना डिवाइडेड है, मैं मानता हूँ कि आर गवर्नमेंट डजंट फोरसी एनी चैलेंज। पहले तो लोकसभा है और स्टेट के अंदर भी आज के दिन मैं मानता हूँ जिस तरह से डिवाइडेड कांग्रेस स्टेट में भी है, नेशनल लेवल पर तो डिवाइडेड ऑपोजिशन है, यहाँ तो डिवाइडेड कांग्रेस है। एक फादर सन ग्रुप है, एक SRK ग्रुप है, और तो और प्रभारी ग्रुप है। जितने ग्रुप बन चुके हैं, मुझे नहीं लगता है कांग्रेस के खात्मे के लिए इससे ज़्यादा किसी चीज़ की जरूरत। और कैप्टन अजय यादव ने तो खुल के कह दिया, बहुत आदरणीय है, कि मेरे को घुटन महसूस होने लगी। मैं तो कहता हूँ अगर कांग्रेस में इतनी घुटन है तो हमारे दरवाजे खुले हैं, आइए, सम्मान भी ज़्यादा देंगे और आपको आगे भी रख के चलेंगे। जो नतीजे आम आदमी पार्टी ने पोस्ट पंजाब इलेक्शंस स्टेट्स में चुनाव लड़कर लाई है, ये एक चीज़ क्लियरिटी है कि किसी भी और स्टेट ने आम आदमी पार्टी को अपनाने का काम नहीं किया। हमारे यहाँ भी एक ट्रेंड चला था कि पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों ने एक लाइन लगाकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, मगर आज प्रैक्टिकल डाटा जो है वो यही है कि उनमें से कोई आम आदमी में नहीं बचा, और कोई एक आधा बचा हुआ भी है तो वो ऐसा है जो ढूंढ रहा है कि मुझे सम्मानित जगह कहाँ मिलेगी, मैं चला जाऊं। मैं आपको एक चीज विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं उचाणा नहीं छोड़ूंगा, और जिसको उचाणा छोड़ना है वो तो पार्टी छोड़ने की तैयारी करे बैठा है। मैं तो बयान सुन रहा था और उस बयान में मेरे लिए कहा गया कुछ ऐसे शब्द जो मुझे लगता है उनकी उम्र के आदमी को नहीं कहने चाहिए। मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, आई एम यंग एंड डायनेमिक, आई एम नॉट टायर्ड एंड रिटायर्ड। मुझे लगता है इतना ही बहुत है उन लोगों के लिए जो आज आयु के उस पल में आगे, जिस पल में उनको 3 चुनाव हो गए ये कहते हुए मेरा अंतिम चुनाव है। और एक नहीं है, हरियाणा की राजनीति में अनेक लोग हैं जो 2024 के चुनावों में ये कहेंगे कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आई एम 35 एंड आई विल नॉट रिटायर टिल 80। दैट मीन्स आई हैव 45 years ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स अहेड ऑफ मी। आई विल वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री, बेटरमेंट ऑफ आर स्टेट, एंड हाउ टू टेक दिस स्टेट फॉरवर्ड इन अ मैनर कि ये देश के प्राथमिक राज्यों में हमेशा गिनी जाए। मेरा कर्तव्य है, जिम्मेवारी है, और 10 साल की इलेक्टेड पॉलिटिक्स के अंदर मैंने इसी जिम्मेवारी के साथ काम किया है, चाहे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम किया हो। मुझे लगा ट्रैक्टर पार्लियामेंट में ले जाना पड़ेगा फार्मर्स के लिए कि वो टैक्सेबल ऑब्जेक्ट व्हीकल ना बने, मैं लेके गया। मुझे हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी मिली, मैंने कदम उठाए किसान के खाते में पैसे देने का, 2 दिन में उसका पैसा पहुँचे, उसको सशक्त कैसे बनाया जाए, आई एम सक्सेसफुल। इकलौता राज्य हरियाणा है जिसमें 14 फसलें MSP पर खरीदी जाती है, और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के फार्मर्स ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स पे भी आए, कि हम उन क्रॉप्स को भी MSP पर खरीदने का काम करें। आज के दिन 3,000 MTV नहीं, 3,000 टन मूंगफली आई, हमने उसके लिए भी 3 मंडियां निर्धारित करी। ये हमारी सोच है कि प्रदेश के प्रत्येक फार्मर को, जो सरकारी हमारे आश्वासन है MSP का, उसका लाभ दिया जाए। एंड हरियाणा हैज़ बीन अ मॉडल स्टेट
जिसने एवरेज 7 लाख मैट्रिक टन पैडी और 67 लाख एवरेज वीट प्रक्योर किया है पिछले 4 साल में, और इस एवरेज के अंतराल लगभग 12-13 हजार करोड़, कुल मिला के 25 हजार करोड़ एक वित्त वर्ष के हम सक्सेसफुल रहे हैं, जो डीबीटी के माध्यम से फार्मर के खाते में हम भेज पाए। और साथ में पहली राज्य ये हरियाणा बनाए जिसमें आपकी क्रॉप लॉस हो तो आपको फिर ब्योरा रजिस्टरों पे नहीं देना पड़ता, डिजिटली हम इसको मॉनिटर करते हैं और 30 डेज के अंदर फार्मर के खाते से खाते के अंदर उसका बेनिफिट पहुँचाने। थैंक यू जी। जो दोषी है उसको डरना चाहिए, जो निर्दोष है उसको डरना नहीं चाहिए, और अगर पॉलिटिकल वेंडेटा है तो उन लोगों को इतिहास देखना चाहिए। ये इमरजेंसी का दौर भी इस देश ने देखा है जब सभी पॉलिटिकल लोगों को 19-19 महीने जेलों के अंदर रखा गया, जिसके अंदर ज्योतिमाता सिंधिया जैसी निडर लेडी को भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया, चौधरी देवीलाल जी को भी रखा गया, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को भी रखा गया, वो तो नहीं घबराए सजा काटने से। आज सीबीआई के दुरुपयोग की हम बात करते थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को 10 साल तिहाड़ कटवाई, आरोप क्या था? 1 रुपया का लेन देन नहीं था। जिनके पीछे ईडी पड़ी है उसमें तो पैसा भी है, लाभ भी है, ट्रेल भी है, उसके बाद वो लोग कहते हैं दुरुपयोग हो रहा है। मुझे लगता है ये लोगों के मन में घबराहट है। इसमें तो मैं लालू जी को निडर मानता हूँ, जो हर रोज जाकर खड़े तो होते हैं, मैं उनकी उम्र में उनकी सेहत, जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई, आई अप्रिशिएट हिज बोल्डनेस कि वो घबराए नहीं। आप देख लेना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को 4 बार और बुलाएंगे, 10 किलो वजन कम हो जाएगा। थैंक यू।